इंदौर शहर के तिलक नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले रवि स्वामी नामक व्यक्ति शिप्रा थाना क्षेत्र में बोरे में बंद मिला, जहां लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि बोरे में एक व्यक्ति पड़ा हुआ है। तुरंत पुलिस शिप्रा ने मौके पर पहुंचकर बोरे से व्यक्ति को बाहर निकाला और उपचार के लिए देवास अस्पताल में भर्ती किया, जहां रवि स्वामी नामक व्यक्ति की पहचान हुई जो तिलक नगर थाना क्षेत्र में रहता है। वहीं रवि ने बताया था कि उसका दो व्यक्तियों से लेन देन था और अपहरण कर उसको बंद कर फेंक दिया गया, लेकिन जब तिलक नगर पुलिस ने जिन व्यक्तियों पर आरोप लगे उनसे पूछताछ की, फुटेज खंगाले तो दोनों व्यक्ति इंदौर में ही उपलब्ध मिले। फिलहाल पुलिस को फर्जी अपहरण की कहानी दिखाई दे रही है। कल दिनांक को 24/10/2020 को थाना छिपरा के टीआई साहब का मेरे पास फोन आया था कि आपके थाना क्षेत्र का एक व्यक्ति है रवि पिता रामास्वामी संवित नगर का, इसको छिपरा थाने के पास बाईपास रोड पर बोरी में पड़ा हुआ मिला है, जिसने बयान में बताया है कि उसे एक संवित नगर का रहने वाले व्यक्ति रोहित यादव ने मारपीट करके यहाँ बोरी में फेंक के गया है। इस संबंध में चूँकि घटनास्थल तिलक नगर थाना क्षेत्र से स्टार्ट हुई थी तो छिपरा थाने से तिलक नगर थाना पर जांच थाना प्राप्त हुआ। इस जांच थाने की जांच के दौरान मेरे द्वारा रोहित यादव से भी पूछताछ की गई है और उसके बाद जो घायल था रवि पिता रामास्वामी, जब उससे भी पूछताछ की गई रात में, और मैंने जिस स्पॉट से वो जहाँ से लेके जाना बता रहा था उस जगह के भी फुटेज देखे हैं, परंतु कहीं पर भी रवि और रोहित यादव दोनों साथ में जाते नहीं दिखे हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि किसी दुर्भावनावश या किसी पूर्व दुश्मनी के कारण ये इस टाइप से पिक्चर बना रहा है। और रात को मेरे द्वारा करीब 1 बजे तक उससे पूछताछ की गई और आज सुबह उसको पाबंद करके कहा गया था कि आज सुबह 10 बजे करीब थाने पे आना, परंतु आज 9:30 बजे से घर से गायब है रवि स्वामी। उसकी पत्नी ने भी बताया कि उसका फ़ोन सुबह से बंद हो गया है, तो इससे ये लग रहा है कि वो कुछ इनको रवि स्वामी और रोहित यादव को पैसों का लेन देन का मैटर था और पैसे न देना पड़े इसी कारण इस टाइप से ये कुछ पिक्चर मनगढ़ंत बना रहा है। तो सर क्या कहानी लग रही है या कुछ बांटने की साजिश? अभी तक जांच में जो पाया गया है वो ऐसा लग रहा है कि जो घायल रवि स्वामी और रोहित यादव के आपस में पैसों का लेन देन का विवाद था और इस 10/10/2020 तक रवि स्वामी ने जो पैसे लिए थे वो रोहित यादव को देने थे, परंतु वो दे नहीं पा रहा है, इसके कारण शायद वो घर से फरार हुआ है। 3,00,000 रुपये का मामला है। ये शुरू से ही यहाँ संवित नगर का रहने वाला था, बाकी इसने बताया है कि वो उसके माता पिता आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, परंतु उसका जन्म वगैरह यहीं इंदौर में हुआ है। वो रोहित यादव है, उससे भी हमने पूछताछ करी, परंतु उसके भी वीडियो फुटेज वगैरह हमने काफ़ी अच्छे निकाले हैं, परंतु उसमें जो पूरे टाइमिंग के हमारे पास फुटेज आए हैं जिसमें वो यहीं कहीं आइट साइड घूमते हुए दिख रहा है। रोहित यादव ने बताया कि चूंकि उसने मेरे से 3,00,000 रुपये उधार लिए हैं और अभी जो देने की मियाद थी वो खत्म हो रही है, वो पैसा दे नहीं रहे हैं, इसके कारण वो मुझे झूठे केस में फंसाने के लिए इस टाइप से कर रहा है। वो ये कह रहा है कि मेरे को यहाँ से लेके गए हैं वो एक्टिवा पे और चूंकि मेरे मुंह और आँख बंद कर ली थी, इसके कारण मैं बता नहीं सकता कि मुझे कहाँ लेके गए हैं, और जब एक घर में लेके गए उसके बाद वो कह रहा है कि एक पीछे वाले कमरे में लेके गए, कमरे में बंद कर दिया, उसके बाद मुझे बिजली का करंट लगाया गया है जिसके कारण मैं घायल हो गया था, और उसके बाद मैं कुछ बता नहीं पा रहा हूँ कि वो मुझे कहाँ से कहाँ लेके गए। चूंकि सर ये एक जगह का काम नहीं है, तो क्या लगता है इसमें ओवरबिट करते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, उसमें एक व्यक्ति का काम जरूर नहीं है, इसमें उसके साथी लोग हो सकते हैं, और इसी आधार पर हमने इनके आरोपियों के या जो संदेह है उसके मोबाइल के टावर लोकेशन के लिए हमने लेटर लिखा, आप काफ़ी तलाश कर रहे हैं, परंतु जो फरियादी जिस तरह से बता रहा है उसमें कहीं आ नहीं रहा है, उसकी पिक्चर मैच नहीं खा रही है। तो क्या लगता है सर फरियादी को मतलब आरोपी बनाया जाएगा? नहीं, अभी जांच चल रही है, जांच में जैसे भी कुछ स्थिति क्लियर हो जाएगी फिर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गुलाब सिंह रावत, उप निरीक्षक थाना तिलक नगर। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।